नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आज किस नए क्लास में। चलिए आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति पे आधारित बीए के हिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई, उसी पे आधारित आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्योंकि इस बार सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर में, तो लगभग तीनों ईयर में सिमिलैरिटी, इसलिए तीनों ईयर के छात्र जरूर देखें जो भी बीए के हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, एक एक क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ये आपको बताने वाला उस वीडियो में, हिस्ट्री के, इतिहास के। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्योंकि 22 से पहले के जो 1 से 21 नंबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिल्टर करके मैंने रखे थे आपके एग्जाम के लिए, जो हेल्पफुल थे वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही रखे हैं। उसके आगे मैंने आज फिल्टर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, वो है पिरामिड। ठीक है, पिरामिड के विषयों में आप क्या जानते हैं, पिरामिड के विषयों में आप क्या जानते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं पिरामिड क्या है और इसके बारे में अधिक जानकारी। ठीक है, लिखा है कि गीजा के पिरामिड मिस्री कला की अमूल्य निधि है, या यहाँ के एक पिरामिड की ऊंचाई 480 फीट है और उसकी एक भुजा 775 फुट लंबी है, या 13 एकड़ भूमि में बना है, इसमें 2.5 टन भार के 23,65 खंड लगे हैं, ये इतनी चतुरता से जोड़े गए हैं कि कहीं कहीं तो जोड़ की चौड़ाई 1 इंच के 1000वें भाग से भी कम है। डॉक्टर गोयल के मतानुसार आधुनिक युग के बहुत कम कारीगरों में ऐसी भवन बनाने की योग्य दक्षता है। ठीक है, हेरोडोटस के अनुसार गीजा के विशाल पिरामिड को 1,00,000 व्यक्तियों ने 20 साल में बनाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पिरामिड क्या है, उसके बारे में अधिक जानकारी आपको। ठीक है, तो गीजा के पिरामिड मिस्र कला की अमूल्य निधि है। ठीक है, गीजा के पिरामिड, ठीक है, जो पिरामिड होते हैं ये, ठीक है, ये गीजा के हैं। ठीक है, मिस्री कला की अमूल्य निधि है। यहाँ के एक पिरामिड की ऊँचाई, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो पिरामिड की ऊँचाई है उनकी आप लोगों को मालूम होगा 480 फीट है, और इसमें जो लंबाई भी आप लोगों को मालूम हो गई, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी मालूम हो गई, और कितने एरिया में ये फैला हुआ उसके बारे में भी जानकारी हो गई। और आपको खास इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर आप लोगों को एक वाक्य मिला है, यहाँ पर यहाँ बताया जा रहा है कि एक गीजा के विशाल पिरामिड को 1,00,000 व्यक्तियों ने, ध्यान रखिएगा 1,00,000 व्यक्तियों ने 20,000 साल में बनाया था। याद रखिएगा, अगर आप ऐसे याद रखेंगे कि 1,00,000 व्यक्तियों ने 20,000 दिनों में बनाया था, साल में बनाया था, ठीक है, तो आप लोगों को आगे लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपके पेन चलती जाएगी, आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग में लिखना नहीं, ये सारे जो क्वेश्चन मैं आप लोगों का आंसर बता रहा हूँ ये सारे अति लघु उत्तरीय बेस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि, ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिखा कि, ठीक है, अखनाटन कौन था, तो अखनाटन कौन था इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। लिखा है कि मिस्र के साम्राज्य में युग में अमीन होतेप चतुर्थ उर्फ अखनाटन मिस्र का अधीश्वर बना, या संभवत शांत प्रिय चिंतनशील स्वतंत्रवादी परिष्कृत मनोवत का व्यक्त था। ध्यान रखिएगा, मिस्र के समाज में युग में अमीन होपेत चतुर्थ उर्फ अखनाटन मिस्र का अधीश्वर बना, ठीक है, अधीश्वर बना, और एक शांति प्रिय चिंतनशील स्वतंत्रवादी प्रकृत मनोवृत्ति का व्यक्त था। अपनी चिंताशीलता व धर्म की गंभीर मीमांसा करने के उपरांत उसे विश्वास हो गया कि धार्मिक क्षेत्र में सुधार की अति आवश्यकता है, अतएव बहुदेववाद की पुनः पद्धति का उन्मूल कर तथा एकेश्वरवाद की स्थापना कर इस प्रकार के मिस्र की धरती पर धार्मिक क्रांति की बीज बो दिया। आप सभी को मालूम हो गया कि अखनाटन कौन था और ये किस विचार का व्यक्ति था, या फिर किस विचार के आदमी थे, और ये अपने जो भी जहाँ पर इनका एरिया लगता है, या फिर अपने देश के लिए ये क्या क्या विचार रखते हैं, और क्या क्या अपने हित के बारे में और अपने समाज के बारे में, या फिर अपने जो भी इनका देश था उसके एरिया में क्या सोचते थे, ठीक है, ये आपको मालूम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है कि मिस्र में नील नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नील नदी के संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, देख लेना चाहे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर है कि मिस्र में नील नदी का क्या है और इसके बारे में लिखना है, तो लिखा आंसर में लिखा है कि मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई। नील नदी के मिस्र वासियों के जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाने में तथा प्राचीन मिस्र की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण यूनानी इतिहासकार
हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि नील नदी के मिस्र वासियों के जीवन में सुखी एवं संपन्न बनाने में तथा प्राचीन मिस्र की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी कारण यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस ने मिस्र को, हेरोडोटस यानी जो इतिहासकार थे, उन्होंने मिस्र को नील नदी का वरदान दिया। नील नदी में केवल, ठीक है, नील नदी ने केवल रेगिस्तान के विकास को ही नहीं रोका बल्कि बाहरी आक्रमणकारियों से भी मिस्रवासियों की रक्षा की। ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, मिस्र आक्रमणकारियों से भी और मिस्रवासियों की रक्षा की, ठीक है, कि कोई आक्रमण ना कर दे इसलिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीजा क्यों प्रसिद्ध है। तो गीजा क्यों प्रसिद्ध है, आप लोगों को भी आंसर में मालूम हो जाएगा क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था आंसर में फिलहाल क्वेश्चन आ गया। तो आपको लिखना है कि मिस्री कलाकारों के स्थापत्य के सर्वोच्च नमूने हैं पिरामिड। ये विशाल पिरामिड मिस्र के फाराओं की समाधियाँ हैं। पिरामिडों में खूफ द्वारा गीजा में बनाए गए पिरामिड सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। पिरामिड की आकृति त्रिभुज के समान होती है। गीजा के एक पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट और उसकी भुजा 750 फीट लंबी है। इस विशाल पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर की चट्टानें लगी। याद रखिएगा, गीजा क्यों प्रसिद्ध है, इसकी लंबाई आप सभी को मालूम हो गई, ऊंचाई मालूम हो गई और इसमें जो पत्थर लगे उनकी संख्या भी आप लोगों को मालूम हो गई ये कितने हैं। बस यही थोड़ी अगर एक पॉइंट पा जाएंगे तो इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लघु उत्तर बेस पे भी लग सकते हैं। अगर आ जाए एग्जाम में तो आप आराम से 2-2.5 पेज में आराम से लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बना बना के ही एग्जाम में क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव बेस ऐसा ही एक पैटर्न है जिसमें आप लोग को विदाउट बना बना के लिखने से, क्योंकि बिना बना के आप, यानी जैसा आप लोगों में बता दो एक फॉर्मल लैंग्वेज जैसे बुक में लिखा रहा वैसे आप लिख ही नहीं पाएंगे एग्जाम में, आप पक्का है ये गारंटी। अगर एक दो टॉपिक या कोई एक दो सेंटेंस उसमें का वाक्य पा गए तो उसी के आधार पर आप लिखते चले जाएंगे। तो यही आधार आप लोग अपनाइएगा, याद करने के चक्कर में और रटने के चक्कर में पढ़ेंगे तो एक दो क्वेश्चन रट पाएंगे आंसर बस, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा कि उत्तर वैदिक युगीन सिक्के। तो उत्तर वैदिक युगीन सिक्के क्या हैं और इसके बारे में क्या है जानकारी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। लिखा है कि उत्तर वैदिक युग में मुद्राओं के अस्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता परंतु निष्क शतमान पाद और कृष्णल का उल्लेख अवश्य मिल जाता है। निष्क का उल्लेख पंचविंश ब्राह्मण में मिलता है। शतमान दक्षिणा के रूप में, ठीक है, सुवर्ण का उल्लेख है। कृष्णल रत्ती को कहते हैं, ठीक है, कृष्णल रत्ती को कहते हैं। पाद का उल्लेख दान का प्रसंग में मिलता है। उत्तर वैदिक युगीन सिक्के क्या हैं आप सभी को मालूम हो गया इस आंसर से। मैं आपको ये भी बता दूं, इन सभी का जो क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूं, आपको हो सकता है एक बार में समझ में ना आए इसलिए वीडियो को 2-3 बार जरूर देखेंगे या फिर मैं कोशिश करता हूं कि पीडीएफ भी डाल दूं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, तो उस पर दोबारा पढ़ लीजिएगा, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, पहली बार में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि ऐतिहासिक स्रोत में, ठीक है, क्या लिखा है कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हड़प्पा पुरास्थल का महत्व बताइए। तो आंसर में आप लोगों को लिखना है कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज का मुख्य श्रेय, ठीक है, पुरातत्विक स्रोतों को जाता है। हड़प्पा संस्कृत का उदय, ठीक है, ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृत पड़ा, तो इसका नाम बाद में क्या हो गया, हड़प्पा संस्कृत पड़ा, क्योंकि इसका सर्वप्रथम ज्ञान 1921 में ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से हुआ। सर जॉन मार्शल और सर मर्टिमर, ठीक है, मर्टिमर व्हीलर, ठीक है, व्हीलर जैसे ख्याति प्राप्त, ठीक है, पुरातत्वविदों ने हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, ठीक है, हड़प्पा की खुदाई की। इन विद्वानों ने वहाँ से मिले भौतिक अवशेषों को गहराई से अध्ययन किया, यानी कि जो भी खुदाई करने के बाद जो भी वहाँ से पदार्थ निकले या फिर जो भी अवशेष निकले, जो भी निकला, ठीक है, उसका उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया। चूँकि उन अवशेषों पर लिखे शब्दों को पढ़ा नहीं जा सकता इसलिए हड़प्पा के लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए शिल्प अवशेषों के अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकालने जा सकते हैं। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो उस पर लिखा था उसको
पढ़ा जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वहाँ के जो लोग थे उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा जो शिल्प था, ठीक है, उसी के आधार पे इसके अध्ययन का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हड़प्पा प्रस्थल का महत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, लिखा है कि वैदिक कालीन प्रमुख नदियों के परिचय दीजिए। तो वैदिक कालीन के जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में परिचय आप लोगों को मैं करा देता हूँ, ध्यान रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि ऋग्वेद में 42 नदियों का, ठीक है, ऋग्वेद में 42 नदियों का वर्तमान में होने का उल्लेख मिलता है, यानी कि इस समय अगर आप लोग पढ़ें कहीं इतिहास में तो बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख हुआ है, जबकि 40 अन्य नदियों के नाम भी प्राप्त हैं। नदियों में सरस्वती और सिंधु का अनेक बार उल्लेख हुआ है, यानी कि जो भी मेन नदी है यानी कि सरस्वती और सिंध, इनका कई बार यानी कई बुकों में उल्लेख किया गया, इसके बारे में बताया गया या फिर इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। और लिखा कि सरस्वती को तो नदीतमा नदियों में श्रेष्ठ भी कहा जाता है, ठीक है, नदीतमा में नदियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर कहा जाता है यह नदी उस काल में समुद्र में गिरती थी, सरस्वती के साथ साथ, ठीक है, दशदूती नदी के भी अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। उसकी पहचान आज चौतांग नदी से करते हैं जो थानेश्वर हरियाणा के पास पूर्व में बहती है। सिंधु इस काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी जो परावत सागर अरब सागर में गिरती थी, याद रखिएगा अरब सागर में गिरती थी। इसके अतिरिक्त गंगा नदी का एक बार प्रत्यक्ष एवं एक बार अप्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है। यह नदी ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा पर थी, साथ ही यमुना, ठीक है, सॉरी, साथ ही यमुना नदी का तीन बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की नदी, ठीक है, ठीक है, स्तुति सूक्त में सरस्वती नदी की स्थित यमुना एवं, ठीक है, शतुद्री नदी के बीच पाई जाती है। तो ये रहा वैदिक कालीन की जो प्रमुख नदियाँ थी उनका परिचय, थोड़ा थोड़ा था लेकिन आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि जो उसमें नदी कौन सी जिसको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, ठीक है, उसके बाद कौन सी जो नदी थी जिसके अनेक और उल्लेख थे कई जगह, उसके बारे में चर्चा थी, ठीक है, और कौन सी नदी का उल्लेख कितने बार मिलता है, जैसे यहाँ पर लिखा, साथ ही यमुना नदी का जो तीन बार उल्लेख मिलता है ये भी ध्यान में रखिएगा। तो मेन मेन पॉइंट इसी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ का परिचय, ठीक है। तो आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, सरस्वती, ठीक है, उसके बाद सिंधु, यमुना और भी जो मैंने बताया वो आप लोग, ठीक है, दशवस्ती, ठीक है, दशद्वती जो भी नदियाँ थी, आप लोग इसको आराम से क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बस पकड़ के चलेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। इसी में और पॉइंट है, ऋग्वेद में सागर के लिए समृद्ध अरवण एवं सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के दो छंदों में चार समुद्रों का उल्लेख मिलता है, जो है अपर पूर्व, ठीक है, सरस्वत तथा, ठीक है, सरन्यावत, किंतु इनमें केवल अपर की पहचान अरब सागर से की जाती है। समुद्र के ज्ञान का साक्ष्य ऋग्वेद के इस वर्णन से प्रतीत होता है कि सिंध नदी समुद्र में गिरती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लिखा है कि वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाओं का परिचय दीजिए। क्वेश्चन अगला है कि राजनीतिक संस्थाओं का परिचय देना है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि वैदिक काल में, ठीक है, आर्यजनों कबीलों से संगठित थे। इस काल में राजा किसी क्षेत्र विशेष का राजा ना होकर अपने जन स्वामी होता था, याद रखिएगा। वैदिक काल में आर्यजनों कबीलों में संगठित थे, ठीक है, जो भी जन थे, जो भी कबीलों थे, यानी कि आप लोग कबीलों कह सकते हैं या फिर जन में संगठित थे। इस काल में जो राजा हुआ करते थे वो क्षेत्र के, एक क्षेत्र के विशेष राजा का ना होकर वो अपने, ठीक है, एक विशेष क्षेत्र के राजा ना होकर वो अपने जन के स्वामी होता था, ठीक है, अपने जन के ही स्वामी होता था। परिवार ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसे कुल भी कहा जाता था, और कुल का नेता कुलप कहलाता था, यानी कि एक जो इकाई सबसे छोटी परिवार इकाई थी जिसे कुल कहा जाता था, परिवार सबसे छोटी इकाई थी राजनीतिक व्यवस्था की, तो उसे परिवार तो कहा ही जाता था, परिवार था तो उसको कुल भी के नाम से भी जाना जाता था। जो कुल का नेता होता था या कुल का मालिक या फिर कुल का राजा जो होता उसे कुलप कहलाता था या कुलप कहा जाता था। और लिखा कि संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। ग्राम अनेक परिवारों को मिलाकर एक ग्राम का निर्माण होता था। ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था, याद रखिएगा, ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता। आप
ये वर्ड आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि पहले जो ग्राम प्रधान को, ठीक है, ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता है, याद रखिएगा, कहा जाता था। ग्रामीणी ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। बीस अनेक ग्रामों को मिलाकर एक बीस का निर्माण होता था, यानी कि जैसे आप सभी को मालूम है कि इस समय कई सारे गाँव को मिला के एक ब्लॉक बनता है, तो पहले जो कई सारे ग्रामों को जमीन लाकर बनता था उसे बिस्क का निर्माण होता है, यानी कि उसे बिस्क कहा जाता था। बिस्क का सर्वोच्च अधिकारी बिस्पति कहलाता था, यानी कि जो भी उस सभी पूरे, ठीक है, मिलाकर जो बनते थे ग्रामों को उसे बिस्क कहा जाता था। जो बिस्क का मुखिया होता था या प्रमुख होता था सर्वोच्च अधिकारी का बिस्पति कहलाता था। जन अनेक विषयों को मिलाकर एक जन का निर्माण होता था, ठीक है, अनेक विषयों को मिलाकर एक जन का निर्माण होता था। जन का सर्वोच्च जनपति या राजा होता था। राजा को जन संयोग गोप कहा जाता था। राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। तो कुल मिला के आपने यहाँ पर देखा कि वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाओं का परिचय, यानी कि यहाँ पर परिवार से स्टार्ट हुआ, परिवार के बाद आप लोगों ने देखा कुल आया, कुल के बाद कुलप कहा जाता था, कुल के जो मुखिया होते थे, ठीक है। तो इसी तरह कुल मिला के ग्राम से लेकर यहाँ तक आपने देखा कि बिस्पति, यानी कि जैसे कि आप लोग उसमें कहते हैं अपने भाषा में कि ग्राम लेवल से, यानी कि परिवार लेवल से लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला तक, तो उसी में इसी भाषा में ये अब जो बारहवीं आप बोलते हैं कि जो अब बोला जाता है जिला, ग्राम से लेकर जिला तक या फिर राज्य तक, ये चीज़ अब बोली जाती है। इसी चीज़ को पहले जो बोली जाती थी वो आप लोगों को मालूम है कि बिस के रूप में, ठीक है, और ग्रामीणी के रूप में, और आपने देखा कि जन के रूप में, यानी कि अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर दोबारा से पढ़ लीजिएगा, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने इतिहास से संबंधित इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे थे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आप लोग दोबारा से पढ़ लीजिएगा, दोबारा समझ लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव, कमेंट आपके लिए खाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का ज्वाइन होइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।